जितेंद्र जी चलिए आप बोलिए, क्या हाल है? आप कितना कमा के बैठे हो? कमाया तो नहीं है मैंने, लेकिन ये है कि कुछ एक ऑप्शन वगैरह, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन मैंने ट्रेडिंग शुरू करी है। एक हेजिंग से स्ट्रेटजी लगा के मैं ट्रेड करता हूँ। अभी तक नुकसान कितना किया है ये बता सकते हो? नुकसान तो मेरे को पहले हुआ था, अभी तो नुकसान नहीं हो रहा है, अभी तो मेरे को फायदा ही हो रहा है। अभी आप लोग आप कमाना स्टार्ट कर दिए, पहले आपने अभी मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में हम लोग हेजिंग करके कैसे चल सकते हैं अगर हमारे पास टोटल फंड नहीं है। क्या फ्यूचर वगैरह में हम ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर के बिल्कुल साथ? बिल्कुल, वो कल कल वो सिखाया जाएगा सर, कल वो सिखाया जाएगा। मैं तो ऐसा चीज सिखाने वाला हूँ कि आपको हेजिंग भी नहीं करना है, ठीक है, और फिर भी पैसा बनेगा, वो सिखा। सर मैंने किया है लेकिन थ्रू ब्रोकर, वो बोला सर, सो दैट इज नॉट ओन ट्रेडिंग। हाँ लेकिन बहुत पैसा खा गया वो, उसने आपका बर्बाद कर दिया। हाँ उसको तो दो चार बार करवा देता है ना, ये लिक्विडेट कर दो, बाय करो, ये ले लो। इसका एक कारण जाता है बहुत। अब मैं आप लोग को मेन कारण समझाता हूँ, व्हाई हम लोग हारते क्यों ट्रेडिंग करते हैं। तो एक तो हमारे अंदर एक लालच का फैक्टर भगवान ने डाल दिया, ठीक है। हम लोग को जिस दिन दो दिन अगर कमाई होती तो हमको क्या लगता है यार ये मार्केट बहुत आसान है, यहाँ से पैसा कमाना बहुत आसान है। जैसे मार्केट कभी भी ट्रैक में लाता ना तो दो तीन दिन इजी इनकम देता है। जैसे मैंने आप लोग को याद है 17 तारीख को एक वीडियो बनाया था कि भैया दो तीन दिन मार्केट ऊपर नीचे 10,000 तक चलेगा, शॉर्ट करो और 9,800 आएगा, ऐसा हो रहा था ना 3 दिन, याद है? उसके बाद मार्केट ने खींच दिया ऊपर, ठीक है। वो 3 दिन आपको आदत डालता है कि इजी इनकम, यहाँ जाता है शॉर्ट मार दो, यहाँ तक कवर कर लो, फिर आपसे फिर आपको ऐसा शॉर्ट में डाल देता है तो हर लेवल पे शॉर्ट करते जाते। इंसान अपनी हार मानना नहीं सीखता है इस खेल में, जो आदमी हार मानना सीख जाए। या फिर एक और टेक्निक आज आप लोग को सबसे बड़ी टेक्निक बताता हूँ, अगर शाम को आपका सौदा लॉस में है शाम 3:30 बजे तो उसको जरूर काट के जाइए, उसको बुक करके जाइए, और अगर शाम को आपका सौदा प्रॉफिट में है तो उसको कैरी करिए। समझ में आया आपको? लोग क्या करते हैं प्रॉफिट वाला सौदा होता है बहुत बड़ा गुरु मंत्र, और जो जो लॉस लोग लॉस लेके बैठते हैं और प्रॉफिट है तो निकल जाते तुरंत निकल जाते हैं। जो लॉस वाला सोता है उसको हम लोग पोजिशनल बना लेते हैं, करेक्ट? हाँ यस यस सर। और एक नया लॉस होता है उसमें खुलते ही, फिर एक और लॉट ले लेते हैं हम लोग, एक लॉट अब क्या गिरेगा, है ना? सही है कि नहीं है? यस यस यस। अगर आप इस पॉलिसी को अपना लो कि आपने सपोज निफ्टी बाई की है इंट्राडे के लिए और शाम को आपको 20 या 40-50 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो शाम को उसको लॉस बुक करके जाओ। अगर प्रॉफिट हो रहा 50 पॉइंट का तो कैरी भी कर सकते हो, तो कैरी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग हमेशा लॉस फ्यूचर का लॉस काफी बड़ा होता है। आप लोग एक पॉलिसी बनाओ, एक तो मैं बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा ही नहीं सकते जब तक आपको मार्केट के बहुत सारे टेक्निकल्स नहीं आए, जो कि कल मैं सिखाऊंगा वो टेक्निक, जिससे आप जीवन में इंट्राडे में लॉस नहीं करोगे, पूरे लाइफ में आप इंट्राडे में लॉस नहीं करोगे, पूरे लाइफ में बोल रहा हूँ, खाली कल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी लाइफ में अगर उस चीज को आप अपना लोगे तो उसमें तो आप लोग का मेन इंटरेस्ट है, वो सीख लें तो फिर है कि नहीं? सही तो मैं सच बोलता हूँ, मैंने ऐसी चीजें कर ली है जिसमें आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन वो पेशेंस का भी काम है, उसमें आपका ट्रेड हर वक्त नहीं बनेगा, लेकिन जब बनेगा दैट विल बी द मोस्ट परफेक्ट ट्रेड, ठीक है, वो कल सिखाऊंगा आपको। और स्टॉक मार्केट में दो तीन दिन अगर मान लो कोई भी आप, जब तक तुम्हारा ट्रेड नहीं बन रहा है तब तक उछल के ट्रेड नहीं करने का, चुपचाप मार्केट को मजा लो, देखते रहो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन जब आपका लेवल आ गया कोई भी तभी मारने का। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, 9:15 बजे मार्केट खुलता है उसके अंदर आग लग जाती है, अरे यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, करेक्ट? बाय करूँ कि सेल करूँ, बाय करूँ कि सेल करूँ, सर बताइए क्या करूँ, ऑप्शन बाय करूँ या ऑप्शन सेल करूँ? अरे भैया कुछ मत कर अभी, रुक जा। लेकिन वो रुक ही नहीं सकता है, वो सोचता है गोली मारो सर को, ऑप्शन ले लेता हूँ,
ऐसा पड़ा है लगा दो होता कि नहीं होता इसीलिए हम लोग हारते हैं, इसीलिए ऑपरेटर फाइव में है क्योंकि उसको पता है यहाँ सब उतावले हैं, सबको जल्दी जल्दी क्या बनना है, सबको जल्दी जल्दी मुकेश अंबानी बनना है, सबको जल्दी जल्दी बिल गेट्स बनना है, लेकिन किसी को मेहनत नहीं करना है, करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सबसे आसान है, सबसे आसान। अगर इंसान में तीन फैक्टर है, सबसे पहला लॉस बुकिंग का कंट्रोल, अगर वो इंसान लॉस बुक करना सीख गया कि मुझे लॉस कब बुक करना चाहिए, तो वो इंसान स्टॉक मार्केट में लंबा भी चलेगा और कभी भी लॉस में नहीं आएगा। शाम को अगर आपका ट्रेडिंग से लिया हुआ सौदा लॉस में है, ट्रेडिंग के कारण लिया हुआ, और अगर आप काट के जाते हो तो स्टॉक मार्केट आपको हरा नहीं सकता, वो क्या समझे। किसी भी स्टॉक को अपनी पत्नी बनाओ मत बनाओ, किसी भी स्टॉक से शादी मत करो, मतलब आपने अगर एलएनटी के पीछे पड़ गए तो आप एलएनटी के पीछे ही मत रहो। अगर आपको शाम को एलएनटी लॉस दे रहा है तो कल आप दूसरी गर्लफ्रेंड बनाओ ना यार, गर्लफ्रेंड बनाओ, शादी मत स्टॉक से शादी कर लेते तुम लोग यार, अब एलएनटी पढ़ना पड़ेगा। अरे एलएनटी के कल एचपी में बनो यार, ठीक है सही। यार गर्लफ्रेंड को रोज चेंज करो, गलत आदत डाल दी। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से शादी कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब, वो तो हमको तकलीफ देगी, जब पहले तकलीफ दे रही है शादी करने के बाद तो ज्यादा तकलीफ देगी, करेक्ट और नॉट। यस यस सर, यस। वैसी गर्लफ्रेंड बनाओ जो आपको तकलीफ भी दे तो आपको समझ में आ गया शाम को इसको घर ले जाना घातक है भाई, अभी तकलीफ दे रही है, अभी मेरा इतना खर्चा करा चुकी है तो शादी तो मुझे नंगा ही कर डालेगी है पैसों से, है ना। तो उसको शादी ही मत करो, उसको पोजिशनल बनाओ ही मत, उसको पहले से ही तलाक दे दो शाम को, समझे। और शादी उससे करो जो प्रॉफिट दे रहा है, ये वाली गर्लफ्रेंड यार जब मुझे मिलते ही अगर 2000 का फायदा हो रहा है तो इस गर्लफ्रेंड को घर ले जाऊं तो ज्यादा फायदा होगा, करेक्ट और नॉट। सही। और हम लोग क्या करते हैं, उस वाली गर्लफ्रेंड को घर ले जाते हैं जो घाटा दे रही है पहले दिन से, सही है कि नहीं। वही सही है, सही है। बस इस उम्मीद में कि कल तो सुधर जाएगी है, कल तो हमको रोज देगी है। अरे आज ही अगर कांटे दिखा रही है तो कल रोज नहीं देगी है, कल तो इसके कांटे और बड़े आएंगे, समझे। रोज देने वाली पहले दिन ही रोज देगी आपको, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडर हो तो मेक न्यू गर्लफ्रेंड्स एवरी डे, बट अवॉइड दोस काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड्स व्हिच ब्रिंग्स यू इन लॉस ड्यूरिंग द डे, उससे फिर उसको तुम पोजिशनल बना के मत ले जाओ, शादी उसी गर्लफ्रेंड से करो जो आप आज प्रॉफिट में लाई है, तो कल हो सकता है तुमको और ज्यादा प्रॉफिट दे दे, ठीक है। और शादी लंबी भी नहीं चलाना है, शादी कर भी लिया अगर आप ट्रेडर मेंटेलिटी के हो तो शादी लंबी नहीं चलाना, शादी लंबी किसको चलाना चाहिए, जो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर। तो मेरा ये गुरु ज्ञान अगर सबको पसंद आया तो बोलिए एक बार हाँ। यस बहुत बहुत पसंद आया। कल से आप लोग क्या करोगे, लेकिन आप लोग अभी मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो, एवरीवन इज प्रॉमिसिंग मी, महीने तक आपको कसम है मेरी, मेरी कसम, मैं गुरु हूँ आपका, कि आप लोग कोई भी पैसा लगा के ट्रेड नहीं करोगे, तीन महीने महीने तक आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, ठीक है, बात रही है कि नहीं। तीन महीने बाद भी स्टॉक मार्केट रहेगा, जब 10 साल से 20 साल से आप देख रहे हो, कुछ लोग 2 साल से देख रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने से देख रहे हैं, तो अगले 3 महीने में तो बंद नहीं होगा स्टॉक मार्केट, तो 3 महीने में आपको पता चल जाएगा पेपर ट्रेड करके सही में मैं कमाने लायक हुआ कि नहीं, तो सर ने सिखाया उससे, सही है कि नहीं। तो पैसा मैं कब डालूंगा अपना, जब जब मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि पेपर में कमाने लग गया हूं, पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में मैं स्टॉप लॉस भी डालूंगा, ठीक है, टारगेट भी डालूंगा और उसका बैलेंस शीट बनाऊंगा महीने के एंड में कि मैं प्लस में हूं कि माइनस में हूं। अगर 3 कंटिन्यूस महीने में प्रॉफिट में आ गया हूं तो मैं चौथा महीना उतर जाऊंगा मैदान, समझ में आया, विथ फुल कॉन्फिडेंस उतरूंगा। लेकिन हमारे साथ गलती क्या होती है, एक दोस्त मिला मुझे, मोहित धवन मिल गया यार, प्रमोद मैंने देखा 10,000 रुपए छापा, ठीक है, तो मुझे लगा यार ये गधा जब कमा रहा है तो मैं तो क्लास में ज्यादा नंबर लाता था, नहीं कमा सकता तो उसका मतलब, ऐसे ही फंसते ना लोग, जब लगता है ये मोहित धवन मेरे साथ क्लास में पढ़ता था
जब ये कमा रहा है, ये जब भेदा का साला क्लास में मुझसे ये कमा रहा है तो मैं तो ज्यादा कमाऊंगा, मैं भी बोल लेता कहूँ ये गधा मुझे ये नहीं बताया कि पहले कितने लॉस कर चुका है, ठीक है, इसने जिस दिन प्रॉफिट किया उस दिन का लेजर दिखा दिया मुझे और मुझे इस प्रॉफिट वाला दिखा डाल दिया, करेक्ट। ऐसे बनते ना ट्रेडर, लालच का फैक्टर। और स्टॉक मार्केट में जितने लालची लोग हैं वो कभी भी पैसा नहीं कमाता है, पैसा कमाया वॉरेन बफेट ने, जिसने बैलेंस शीट स्टडी की 13 साल की उम्र में, बैलेंस शीट स्टडी करने लग गया था 13 साल की उम्र। और मैं भी आपको बताता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में 13 साल की उम्र से कब से हूँ, नाउ आई एम 46, 33 ईयर्स से ज्यादा हो गए मुझे स्टॉक मार्केट, 25 साल के, ठीक है ना। और इसमें मुझे मार्केट ने हमेशा हराया ही है, अब पिछले 7-8 साल से मैं पैसे कमाना सीख रहा हूँ। तो मुझे जब इतने साल लगे क्योंकि तो मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, किसी की भी ट्रेनिंग नहीं ली, किसी भी इंस्टीट्यूट नहीं गया, मैंने जो भी सीखा खुद के दम पे सीखा, नेट में पढ़ते गया, किताबें पढ़ा, नेट में पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट किया, रात रात तक रिसर्च किया। एक बार स्ट्रेटेजी जो मैं कल आपको सिखाऊंगा उसको निकालने में मैं 7 रात नहीं सोया था, कितना 7 नाइट कंटिन्यूस नहीं सोया था, तब जाके वो मेरी स्ट्रेटेजी बनी, वो कल आपको मैं दूंगा। लेकिन परसों उतर मत जाना जंग के मैदान में, हाँ ये आप लोगों ने वादा किया, मिस्टर धीर, मिस्टर राजेश जैन सबसे बोल रहा हूँ मैं, आप लोग को परसों ये ध्यान रखना है कि आप लोग उतरना नहीं है, 3 महीने के बाद ही है। और इस बीच में आपको पता चलते जाएगा कि मैं आपकी वीकनेस कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको एग्री कर रहे हो तब मैं कल वो सारी स्ट्रेटेजीज दूंगा, सारे के सारे प्रॉमिस करो, सारे के सारे, तब मैं कल बताऊंगा, एग्री मुंह से नहीं, सब लिख के दो, वो चैट में सेव करूंगा आज, इधर लिखते हैं agreed, we agreed we will not trade with money from for next 3 months, लिखो सारे के सारे, तब मैं विश्वास करूं, तब मैं आप लोगों को, मेरे अंदर जितनी भी कला है कसम खा के बोलता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं आपको जितना चीज मुझे आता है सब दूंगा, सारे चीज दूंगा, सारे गुरु मंत्र, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा लिख के कि हम लोग 3 महीने पैसा डाल के पेपर में करेंगे, लिखे सब लोग, इच एंड एवरी का। सागर तू चेक करना, अगर किसी का मैसेज छूटा है उसको कल उसको क्लास में नहीं अटेंड करने देंगे, उसको आज वाली क्लास फ्री हो जाएगी, कल को पैसा दे देंगे हम लोग, डिमांड भी आज वाली, और लेडी से ट्रेड भरा हुआ है तो और लेडी ट्रेड भरा हुआ है, मैं आप अपने ट्रेड करिए, लेकिन ये जो सीख रहे हैं उसको 3 महीना प्रैक्टिस करना है आपको, समझे। आप जुआरी है तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है कि आप पहले 3 महीना सीखो, उसके बाद अगर आप हारते हो तो प्रमोद जैन की क्लास पर इल्जाम डालना, ठीक है। और कल वो चीजें तभी दूंगा मैं आपको जब आप प्रॉमिस करो। मिस्टर मनीष शर्मा आप लंदन से बोल रहे हो ना, करेक्ट, अभी जो ट्रेड भी पड़ा आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मनीष जी आप थोड़ा बड़ी स्क्रीन में आ जाइए, चलिए मैं आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका ट्रेड पड़े तो कल काट दीजिए यार, कल काट दीजिए, क्या दिक्कत है, है ना। 3 महीना सर प्रैक्टिकली रुकना पॉसिबल नहीं है, मैं 12 साल से ट्रेड कर रहा हूँ सर मार्केट में, तो अचानक अगर आप 12 साल से कर रहे हो तो मैं आपको नहीं रोकता हूँ, 12 साल से मैं 2008 से मैं ट्रेडिंग में हूँ, अगर आप 12 साल से कर रहे हो तो 12 साल में आपने खोया खूब होगा, ये तो बात पक्की है। मैंने सर अच्छा खासा बनाया भी था लेकिन फिर सेम कैपिटल लूप भी किया, तो प्रॉब्लम ये रिटेन नहीं हो पाता। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, नेट में आप प्लस में हो या माइनस, नेट में मैं एफएनओ में लॉस में हूं, क्योंकि एफएनओ और क्या मैं मार्केट हां ओवरऑल लॉस ही है अभी, तो अब मेरी बात मान लीजिए थे जाने मैंने आपका जिंदगी पलट जाएगी क्या ये बताइए, ईशा लग्न झालेलं डोंबिवलीत जिथून सुरुवात झाली 3 महिन्यापूर्वी काम बजा का मुलगा आला ट्रेड नाही करोगे तो, आणि त्याने मग तिकडून मग सुरुवात झाली डोंबिवली मध्ये काय करू झालं की मुश्किल आहे, सारा दिन 12 साल में मुझे ऐसा लगता नहीं की कभी रुकूं मैं, तो अब रुकना शायद मुश्किल ये हो सकता है की हॉस्पिटल ला होते, अगर आप ऐसा हो कि आपको जिद हो गई कि मुझे करना ही है तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, करेक्ट,
तरीका चेंज करना पड़ेगा। अनंता पाटील आपको चेंज होना पड़ेगा। मैं मोटा मानुस होता इकडे ते आप 3 महिना रुक म्हणजे आमचा जो ओनर है ना मार्केट में ओनर का सक्का चुलत नहीं आएगा पैसा तो मुझे बोलिएगा लंदन से करिएगा मुझे मैं अपने फोन के पैसे से आपको फोन करूंगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी काम आएगा वो 3 महीना जो आपने पेपर ट्रेड किया उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज भी गेन होगी कहां कहां गलतियां करता था मैं अब आया समझ में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये स्कूल में पढ़ा कि नहीं आपने पढ़ा ना तो मैच खेलने जाते हो क्रिकेट तो सचिन के बिना प्रैक्टिस के उतर जाता है बैटिंग करने आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर जो वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन गिनती आता था वो हर दिन 2 घंटा प्रैक्टिस करता था छुट्टी हो चाहे नहीं हो ठीक है आप पता कर लीजिए उसकी हिस्ट्री में और मैं भी आज बता रहा हूँ आज आपकी क्लास खत्म होने के बाद भी मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा जबकि मुझे 33 साल हो गए इस मार्केट में मैं भी अपना पैसा आप कैसे डालता हूँ जब मुझे 100% श्योर होता है उसके बावजूद भी वो ट्रेड रॉन्ग हो जाता है अब आया समझ में जी सर अब लिख दीजिए आप भी लिख दीजिए 3 महीने का प्रॉमिस कर रहा हूँ सर और आप देखिएगा ना सर मैं क्या क्या कल बताता हूँ आपको अब ये तो देखिए कल मैं क्या क्या सिखाता हूँ लिखिए तब सारे सागर सबके आगे मैसेज हाँ सागर कर रहा हूँ हाँ सर चलिए हाँ सर वाले तो चालू रखे सबके आगे क्या मैसेज एक बार चेक कर लेना सबके आगे ठीक है यस सर मुझे लगता है सबने किया है मैं बिलीव करता हूँ ठीक है अब आप कोई आदमी जिद्दी है तो मैं उसको आगे सर तो मैं आगे बढ़ू ड्यूअल कैंडलस्टिक पे यस सर आगे सर तो लेट अस स्टार्ट अगेन है ना और ये वार्तालाप इसलिए किया कि मैं आप लोग को एक चीज बता दूं सारे जन यहाँ हार के बैठे मैं सच्चाई बता रहा हूँ इंक्लूडिंग खुद एक बड़ा हारने वाला आदमी मैंने लाइक स्टॉक मार्केट ने मुझे इतनी फकीरी ला दी थी कि मेरे अकाउंट में 500 रुपया बैंक अकाउंट में नहीं बचे थे कितने नहीं बचे थे 500 वहां से आज वापस मैं यहाँ आया क्यों अपने आप को चेंज किया सीखने पे फोकस क्या किया मैं कर रहा हूँ उससे फोकस किया आपको लगता है कि आप मैं 2-3 टेक्निक सिखा दूंगा और परसों से आप उतर जाओगे जंग के मैदान में ऐसा नहीं होता अगर अर्जुन को कृष्ण ने बनाया है तो अर्जुन को आंख देखना पहले सीखना पड़ा उसको नजर सिर्फ आंख आती थी बाद में ठीक है मछली की आंख तो जिस दिन आप 3 महीना प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी फिर वो मछली की आंख नजर आएगी कहाँ घुसना है और कहाँ निकलना है क्योंकि यहाँ ट्रेडर का मतलब क्या है टाइमली एंट्री एंड टाइमली एग्जिट उसी को ट्रेडर बोलते हैं ठीक है और इन्वेस्टर को क्या है आज खरीद लिया SBI का शेयर 2 साल बाद भाव देने से भी चलेगा करेक्ट आप में से तो 90% तो इन्वेस्टर है ही नहीं 10% ही लोग इन्वेस्टर है ठीक है और स्टॉक मार्केट में जो हम लोग पैसा हारते हैं वो कौन जीतता है ऑपरेटर वो लोग कभी हारते हैं क्या नहीं हारते हमारे जो छोटी छोटी पूंजी वाले हैं आप 2 लाख के हैं मैं 3 लाख का हूँ 1 लाख की है कोई 50,000 का है ये सब मिला के उसको करोड़ों रुपए रोज देते हैं नहीं है कि नहीं ये बात छोटी वाली शार्क हम छोटी छोटी मछली से रोज करोड़ रुपया लेके जाती है ठीक है एनीवे स्टार्ट करते हैं yes.